आज के सेशन में हम प्रीमियर प्रो को डाउनलोड करना और इसका बेसिक इंटरफेस और हम जो हमारे क्लिप्स होती हैं उसको ऐड करना और बेसिक सी ट्रिमिंग, साइज रीसेट करना, ये तीन चार बातें हैं जो इन पे हम चर्चा करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बताऊंगा कि डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे करना है। अनपेड गेट इनटू नाम से एक वेबसाइट है, उससे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, कोई चार्जेस नहीं होंगे। जैसे हम गेट इनटू पीसी सर्च करेंगे गूगल में, हमें पहली गेट इनटू पीसी डॉट कॉम के साथ ये लिखा आ जाएगा, डाउनलोड फ्री योर डिजाइन ऐप। इसमें हम यहाँ पे प्रीमियर प्रो लिखेंगे। ये हमारे पास 2020 वर्जन है प्रीमियर प्रो का, ये एक दिन पहले ही अपडेट हुआ है। तो आपके अगर सिस्टम अच्छे हैं, आपका जो पीसी है वो अच्छा है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसके लिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिनिमम विंडो 10 पे ही चलेगा, और मेमोरी अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड 8 GB है, और हार्ड ड्राइव में जो आपका स्पेस है वो कम से कम 4 GB फ्री होना चाहिए। इंटेल कोर 2 डुओ और इससे अपर जितने भी हैं वो सबको सपोर्ट करता है ये, ठीक है। बेसिकली i5 और 8 GB आपका होना चाहिए नॉर्मली, अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं। डाउनलोड 64 बिट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे वो अपने आप नेक्स्ट पेज पे मूव करेगा। यहाँ देखेंगे तो अब हमारी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो रहा है, इसको भी टाइम लगेगा तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं डायरेक्टली प्रीमियर प्रो के इंटरफेस पे जाता हूँ। ये हमारा प्रीमियर प्रो है, ये नॉर्मली हम जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आता है। मैं स्टार्टिंग से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारे पास इसके ओपन होते ही इंटरफेस आ जाता है। ये हमारे जो रिसेंट में हमने प्रोजेक्ट खोले होते हैं वो होते हैं, जिस पे भी हमने काम किया है इससे पहले वो यहाँ पे आते हैं, और न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए अलग से एक पॉइंट बना होता है, और जो हमने प्रोजेक्ट पहले से बना रखे हैं, जिन पे हमने काम कर रखा है, जो पहले से हमारे कंप्यूटर में सेव है या प्रीसेट्स जो हम बना के रख सकते हैं, तो उनको हम ओपन प्रोजेक्ट से ओपन करके उस लोकेशन पे जाके खोल सकते हैं। तो अभी हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि आप सभी न्यू प्रोजेक्ट ही बनाने वाले हैं सभी, उसके बाद ओपन करने का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में हमें ये इंटरफेस मिलता है, यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देंगे। उसके बाद हम लोकेशन देंगे, यहाँ से लोकेशन ले सकते हैं हम।
ब्राउज करेंगे तो लोकेशन के लिए हमारे सामने विंडो पॉपअप हो जाएगी। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि जब भी हम अपना कोई काम कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो फ्यूचर के लिए सेव रहे, अच्छे से सेव रहे, तो उसको सी ड्राइव छोड़कर, डेस्कटॉप छोड़कर, या फिर जितने भी हमारे सी ड्राइव के म्यूजिक हो गया, फोटो पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, डाउनलोड, ये फोल्डर अवॉइड करके जो हमारे पीसी में ड्राइव होती है, अलग से ड्राइव जो होती है, उनके अंदर अगर हम फोल्डर बनाएंगे अरेंज करके, डेट वाइज, जैसे मैं जितने भी काम करता हूँ सब डेट वाइज और टॉपिक वाइज बनाता हूँ अपने, वैसे ही अगर आप भी अपना एक पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर स्पेसिफिक फोल्डर बना के उसके अंदर आप करेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर के लिए सेव रहे। अब हम पहले हमने फोल्डर बनाया है जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर हम एक और फोल्डर बना सकते हैं प्रोजेक्ट के नाम से, इसके अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट की फाइल होगी वो सेव होगी। तो मैंने प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बनाया, सिलेक्ट फोल्डर, इतना ही काम है इसमें, हमने नाम देना है और लोकेशन देनी है। इसके बाद जो हमारा इंटरफेस है वो ऐसा खुल के आएगा। अब इंटरफेस से मैं आपको इंट्रो करवा देता हूँ। इसमें सब चीजों के लिए, टूल्स के लिए, मॉनिटर के लिए, टाइमलाइन के लिए, सब चीजों के लिए अलग अलग विंडोज होती हैं। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट बना है उसमें हमने नाम दिया था प्रीमियर प्रो ट्रेनिंग। तो ये हमारा बीन है जिसमें हम अपना सारा डेटा जो है, जो हमने इसके अंदर ऐड करना है, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। बीन के नाम से जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके नाम से फोल्डर बनेगा, अलग से इधर एक पूरा कैबिन बन जाएगा जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, उसमें हम सारा डेटा इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस विंडो के बीच में डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक डबल टाइम, तो हमारे पास इंटरफेस, मतलब ये इंटरफेस आएगा, इसमें से हम चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी ये 3-4 पिक्चर मैंने सेव करके रखी हैं, इन्हीं को ओपन कर लेते हैं। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद अगर हमने और चीजें इंपोर्ट करनी है तो हम यहीं पे डबल क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, डबल क्लिक और ओपन, ऐसे सिंपली हम जितना मर्जी डेटा है अपना वो इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है जो बिगनर्स होते हैं, नए होते हैं, उनको इसके ऊपर जब वो क्लिक करते हैं, कई बार वो क्लिप के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे खुल जाती है, क्योंकि ये सोर्स विंडो है हमारी। यहाँ पे हम काम करने से पहले चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना डेटा है, क्या डेटा है। ठीक है, तो इस जो इंटरफेस में हमारे बॉक्सेस बने आए हैं, इसको हम लिस्ट के अकॉर्डिंग भी मूव कर सकते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे इधर आइकन पे, तो ये लिस्ट में हो जाएगा और अलग अलग बिल्कुल हमें सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके लेफ्ट साइड पे अगर हमने कोई और भी चीज ऐड करनी है और ये बॉक्स पूरा भर जाता है, सपोज अगर ये बॉक्स पूरा भर जाता है, तो इस पे ना क्लिक करके हम लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो हमें ओपन के लिए वो मिल जाएगा। अगर हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सोर्स विंडो में अपनी क्लिप को ओपन कर लेगा। तो ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी है कि लेफ्ट साइड पे हम डबल क्लिक करें अगर हमने कोई डेटा इंपोर्ट करना है। उसके बाद सेकंड जो होता है हमारा टाइमलाइन का होता है, ये हमारी टाइमलाइन है। ये हमारी टाइमलाइन है इतनी इतनी। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम टाइमलाइन या जितना भी हमारा डेटा इंपोर्ट हमने कर लिया है, पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें साइज क्या चाहिए, फ्रेम, वीडियो का जो फ्रेम है वो क्या चाहिए। बेसिकली हम जो मोबाइल के होते हैं या कैमरों के होते हैं वो होता है 980, सॉरी 1920 और 1080, 1920, 1080।
ये हमारा फॉर्मेट होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक सीक्वेंस। अभी हमने पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, लेकिन काम करने से पहले हमें एक सीक्वेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। राइट क्लिक करेंगे हम बॉक्स के अंदर, यहीं पे न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, कर्सर लेके जाएंगे तो अपने आप पॉपअप हो जाएगा वो। ये सीक्वेंस है हमारी, सीक्वेंस पे क्लिक किया हमें ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये हमारा थर्ड स्टेप है, पहले हमने प्रोजेक्ट करना है क्रिएट, उसके बाद हमने जितना भी डेटा है वो इंपोर्ट करना है। जी एक सेकेंड, यस टाइमलाइन वही है जहां पे आप अपनी ऑडियो और वीडियो को एडिट कर सकते हो। अभी हम पहले सीक्वेंस बनाएंगे, उसके बाद हम उस टॉपिक पे चलेंगे। हमने सीक्वेंस के लिए ओपन करा, हमारे पास ये सारे प्रीसेट्स हैं, एचडीवी का है, ये डीवी है, ये थोड़े पुराने फॉर्मेट हैं लेकिन अभी ये यूज होते हैं, 1080 30 फ्रेम्स वाला, 25 फ्रेम्स वाला या 720 30 फ्रेम के लिए। तो हम 1080 30 फ्रेम वाला जो प्रोजेक्ट मतलब प्रीसेट है, इसमें पहले से बना पड़ा है, वो सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो हमारी गए हैं नीचे के चैनल हैं जिसमें A1 A2 A3 लिखा हुआ, ऑडियो के हैं ये सारे नीचे वाले, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ये सब ऑडियो के हैं और इसके ऊपर जितने पे V1 V2 V3 लिखा है ये वीडियो के चैनल है। ठीक है, अब हम अपना डेटा जो है उसको इंपोर्ट करेंगे, मतलब अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग करेंगे जितना हमने इंपोर्ट किया है, यहाँ से डायरेक्ट उसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं हम, जितने भी हमारी क्लिप्स हैं। जितनी भी लोकेशन है हमारी क्लिप की वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उतना स्पेस ले लेती है। ये हमारी टाइमलाइन है, यहाँ पे हमें जो हमारे कर्सर का टाइम है, जैसे एक हमारा कर्सर है इसका टाइम हमें यहाँ दिखता है, और टोटल वीडियो का जो फाइनल लास्ट पॉइंट तक का वीडियो बनता है उसका टाइम हमें यहाँ पे मिलता है कि 3:42 तक की हमारी लास्ट क्लिप है जो रखी है। सिंगल क्लिप का जो साइज है या वीडियो है तो वो जितना उसका साइज है उतना ड्यूरेशन है उतना लेके बाकी आगे खाली हो जाएगा, लेकिन अगर फोटो हम तो उसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं इधर से उधर। अब सिंगल फोटो जो है, मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे पास ये फोटो है ये वाली, इसकी ड्यूरेशन है अभी 50 seconds। अब इसको मैं कितना भी कर सकता हूँ, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर सकता हूँ, सिंपली लास्ट पॉइंट पे जाओ और हमें ये टूल पॉपअप हो जाएगा, क्लिक करो लेफ्ट और स्ट्रेच करो, सिंपली है। ठीक है, और कम करनी है तो कम करने के लिए भी हमें उतना ही करना है, लास्ट पॉइंट पे जाना है और स्ट्रेच करना है, बस इतना। जो बीच का स्पेस है इसको हम ड्रैग करके भी कम कर सकते हैं, उसको उठा के सामने रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रिमिंग 3 टाइप से हो सकती है बेसिकली। अब पहले तो ये है कि हम इसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं इधर उधर, जितनी हमें चाहिए उतनी ले सकते हैं। सेकंड जो है हमारे पास टूल होता है रोजर टूल, जिससे हम कट्स कर सकते हैं सीक्वेंस के ऊपर। ये पूरी क्लिप है, इसमें मैं जितने चाहूं उतने कट लगा सकता हूं। मैं अपना कर्सर ड्रैग करूंगा उसके ऊपर जाके क्लिक करूंगा तो वहां पे कट लग जाएगा, ये यहाँ पे कट आ गया। सेकंड अगर दोबारा क्लिक करूँ तो फिर से कट आ गया। तो ये रोजर टूल ट्रैक सेलेक्ट करने के बाद हमें फिर से अपना वही टूल जो सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, सिलेक्शन टूल ये रहा। सेलेक्शन टूल से हम सब क्लिप्स को अलग अलग इंडिविजुअली सेलेक्ट करते हैं। अगर बीच में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में लिख सकता है ताकि मेरे को पता चले किसी को कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा क्लियर कर सकूं। तो इंडिविजुअली हम सेलेक्शन टूल से सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं,
और रोजर टूल जो है उससे हम कट कर सकते हैं सीक्वेंस में कहीं पे भी। अब इस क्लिप के तीन पार्ट हो गए हैं, उससे बनाए मैंने। सेकंड जो मेथड है कट करने का वो शॉर्टकट की बता रहा हूं मैं, थर्ड वाला कंट्रोल और के दबाएंगे हम, जहां पे हमारा ये कर्सर होगा वहां पे कट लग जाएगा। इसको लेके जाइए, आपको माउस पे ज्यादा वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिप की टाइमिंग के ऊपर लेके जाइए और कंट्रोल के दबाइए, और मैक में भी इसका कमांड के ही होता है। जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया है उनको हम थोड़ा वीडियो दे देंगे बाद में, तो इसके आगे का वो समझ लें, अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है, नॉर्मल है। मैं एक बार लाइटली बता देता हूँ, तो जो ब्रीफ है तो आप उसमें देख लीजिएगा एक बार। हमने अभी सिर्फ इतना ही किया है कि प्रोजेक्ट बनाया है, एक न्यू प्रोजेक्ट, उसको लोकेशन और नाम दिया है, जो लोकेशन हमने दिया नाम और लोकेशन दी है, सिर्फ इतना ही है। अभी हमने जो डेटा है हमारा इंपोर्ट किया है प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, जो लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हम वीडियो दे देंगे, तो प्लीज वो उस पर देख लीजिएगा। अभी मैं इंटरफेस है जो पूरे इंटरफेस से आपको इंट्रो करवा रहा हूँ। ये हमारा जो है इधर का पैनल है जिसमें हम इंपोर्ट करेंगे, ये बिन होता है, इसमें सारा डेटा जितना है हम यहाँ पे आएंगे। फिल्मोरा से थोड़ा अलग होता है, एडवांस होता है, फिल्मोरा थोड़ा सा बेसिक सा सॉफ्टवेयर है लेकिन ये उससे एडवांस होता है। इसमें हम जितना भी अपने माइंड में सोच सकते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, वो बस डिपेंड करता है कि हम किस हद तक सोचते हैं और क्या क्या करते हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। ये बिन है इधर, फिर हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल है, जब हम कोई भी क्लिप के ऊपर इफेक्ट लगाएंगे बिन के साथ ही इफेक्ट का, इनको हम अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी। इनको हम अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं, जिस अगर हमें ये इफेक्ट का फोल्डर है यहाँ पे नहीं चाहिए ऊपर चाहिए तो हम ऊपर जाएंगे, ब्लू कलर का जो टैब है वो पॉपअप हो जाता है तो उस पे छोड़ेंगे तो वो वहां पे जाके प्लेस हो जाएगा। अपने जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप चेंज कर सकते हैं हर लोकेशन के। तो कंटिन्यू करते हैं, ये बिन है हमारा, ये इफेक्ट वाला फोल्डर है, इसमें हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर के अंदर इफेक्ट्स हैं प्रीलोडेड जो हमें नॉर्मली मिल जाते हैं साथ ही डाउनलोड करते ही, वो सारे इफेक्ट इसके अंदर हैं। तो मैं उनको एक बार बेसिकली अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको नॉर्मली। ये वाइप है, ये हम टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, फोटो में भी यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया उसमें, सिर्फ उसको पकड़ा ड्रैग करके जो स्टार्टिंग की क्लिप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे छोड़ते ही वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही हम स्पेस से प्ले कर सकते हैं सीक्वेंस पे, जहां पे भी हमारा ये होगा उसमें कहीं पे भी जाके आप स्पेस दबाएंगे तो वो प्ले हो जाएगी। तो वाइप है ये, ऐसे ही जितने भी इफेक्ट हैं वो हम कोई भी इफेक्ट कभी भी लगा सकते हैं, कहीं भी चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर हमें चाहिए क्या, कैसी उसमें कैसे इफेक्ट चाहिए। सॉरी, और इफेक्ट की अगर हमें ड्यूरेशन चेंज करनी है तो सिंपली कुछ नहीं करना, इस टाइमलाइन को हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं अपनी क्लिप्स को ज्यादा क्लोजली देखने के लिए। हम जो नीचे बना हुआ है दो पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे और ऐसे करेंगे तो जूम हो जाएगी। इससे दूसरा जो शॉर्टकट है वो प्लस और माइनस का है, प्लस दबाएंगे तो जूम होगी, माइनस दबाएंगे कीबोर्ड में से बैक स्पेस के जो साथ में दो बटन होते हैं, माइनस दबाएंगे तो वो जूम आउट होगी, ठीक है। और अगर हमें ये इफेक्ट, अगर ये वाला इफेक्ट अगर हमने ज्यादा थोड़े ड्यूरेशन बढ़ानी है इस इफेक्ट की, तो हम सिंपली इसके इफेक्ट का जो बॉक्स बन गया है
उसके लास्ट पॉइंट से पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे उसको, जितना हम टाइमिंग चाहते हैं उतना हम उसको स्ट्रेच कर देंगे, वो उतना स्लोली वर्क करेगा। अभी इसने इतना टाइम लिया है 3 से 4 सेकंड का, अगर मैं इसको बिल्कुल कम करता हूँ 1 सेकंड पे करता हूँ तो वो 1 से 1.5 सेकंड के हिसाब से जितना हम चाहते हैं उतना हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेकंड जो इफेक्ट लगाने के बाद का काम है, जो थर्ड विंडो है हमारी इफेक्ट कंट्रोल के नाम से, ये इफेक्ट लगने के बाद हम कोई भी काम इसमें कर सकते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं आएगा। अगर हमारी सिंपल क्लिप है तो उसमें बस हम उसका साइज स्केल रोटेशन सेट कर सकते हैं। इफेक्ट्स अगर हम लगाएंगे तो उस इफेक्ट्स के लगाने के बाद उसके अंदर इफेक्ट्स लोड होंगे जितने भी हैं, उसकी ड्यूरेशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन आसान यहीं से पड़ता है तो हम यहीं से चेंज कर लेते हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं होती है। क्लिप जो कोई भी है अगर हमने उसका स्केल चेंज करना है, पोजिशन चेंज करनी है, अब मेरे को इसका स्केल ज्यादा लग रहा है तो मेरे को स्केल कम करना है, तो मैं बेसिकली इसके जो इफेक्ट कंट्रोल वाली विंडो है उसके अंदर जाके वो स्केल को कम कर दूंगा। जितना स्केल मैं कम करूंगा उतना वो स्पेस ले लेगा। इसके बाद हमने पोजीशन चेंज करनी, मेरे को ऊपर चाहिए तो ये इस पे क्लिक करके, क्लिक छोड़े बिना हम ड्रैग करेंगे राइट लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट की तरफ ड्रैग हो जाए, मूव हो जाएगा वो। वैसे ही ये वर्टिकल का होता है, ये वर्टिकल के लिए होता है और ये हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। हम जहां पे भी अपना क्लिप है उसको मूव करना चाहते हैं वहां पे हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को एक यहाँ पे मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 3-4 एक ही इंटरफेस में 3-4 वो ऐड करूँ क्लिप, तो मैंने जूम आउट किया अपनी उसको और सेम उसी क्लिप के ऊपर, इसको समझने का मेथड सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास ऑडियो के 3 चैनल हैं, कि जैसे हमारे पास 3 पेपर हैं, जो नीचे वाला पेपर है वो सबसे बड़ा है और ब्लैक कलर का है। मैं आपको इसको समझने का एक थोड़ा सा वो बताता हूँ कि हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि हमें क्या ऊपर रखनी है सीक्वेंस के, क्या नीचे रखनी है। मैंने एक कलर की वो ले ली, सबसे बड़ी है कलर की, ठीक है। ये सबसे नीचे रखा मैंने वीडियो 1 पे। इसके बाद मैं सेकंड क्रिएट कर रहा हूँ कलर मेड, सेकंड को मैंने इसके ऊपर रखा। जो बड़ी है वो नीचे है, जो छोटी है वो ऊपर है। अब हमें अपने अकॉर्डिंग इस चीज को डिसाइड करना है कि मेरे को क्या ऊपर चाहिए क्या नीचे चाहिए। मेरे को ग्रीन हिस्सा इतना था जो ऊपर चाहिए था, लेकिन अगर मैं इसी ग्रीन हिस्से को रेड वाले के नीचे रख दूंगा तो वो उसके पीछे ढक जाएगा, दिखेगा नहीं हमको, क्योंकि जो रेड वाला जो हमारा क्लिप है उसने अपना पूरा इंटरफेस ले रखा है, जितना हमारा फ्रेम साइज है उसने पूरा फ्रेम साइज अपने ले रखा है, तो उसके नीचे जितनी चीजें होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। उसके ऊपर जितने भी क्लिप होंगे अगर वो छोटे होंगे तो वो हमें दिखाई देंगे और बैकग्राउंड भी दिखाई देगा। मैं थर्ड वाली ऐड करता हूं ऐसे ही, ये मैंने थर्ड ऐड किया। ड्यूरेशन सबकी सेम रख देता हूं, ठीक है। अब सबसे ऊपर जो है वो व्हाइट हिस्सा है ये वाला, उसके बाद जो सेकंड क्लिप है वो ग्रीन है और बिल्कुल जो नीचे है वो रेड है। अब व्हाइट का जो इतना इंटरफेस था वो इतना था, उसने अपना हिस्सा ले लिया बाकी छोड़ दिया, इसको हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। वैसे ही ग्रीन का है, जितना उसका इंटरफेस है उतना उसने रख के बाकी जितनी भी जगह है उसको ब्लैंक छोड़ दिया। और वैसे ही हमारा जो रेड वाला है उस, क्योंकि वो तो पूरे इंटरफेस पे है तो उसने पूरा हिस्सा अपना ले रखा है, जितने उसके ऊपर चीजें है वो दिख रही हैं, उसके नीचे है जो है कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर मैं व्हाइट या ग्रीन को रेड के नीचे रख देता हूँ तो
वो दिखेगा नहीं, व्हाइट नीचे चला गया तो व्हाइट नहीं दिखेगा, और ग्रीन नीचे चला गया तो ग्रीन नहीं दिखेगा। ठीक है, ये इतना ही है। जितने भी हमारी क्लिप्स होंगी दो टाइप से हम देख सकते हैं, एक तो रियल टाइम की मैं ड्रैग कर रहा हूं और वो चीजें चल रही हैं, मैंने ड्रैग किया एक और वीडियो क्लिप ताकि आपको समझ आए, मैं इसकी ऑडियो डिलीट कर रहा हूं ताकि किसी और को डिस्टर्ब ना हो। हाँ, तो ये हमारी क्लिप है। अब इसका जो 6K है वो पूरी विंडो से हमारे वाले साइज से कम है, तो उसने कम साइज ले रखा है, तो हम इसको पकड़ के डबल क्लिक करके क्लिप के ऊपर स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप बेसिकली क्लिप के ऊपर क्लिक करिए और जो हमारा स्केल है उस स्केल को बढ़ाइए, ज्यादा आ रहा है तो कम कीजिए, कम है तो ज्यादा कीजिए, सिर्फ स्केल को बढ़ाना है। अब जैसे ही हम इसको रियल टाइम देखने का मतलब यही होता है कि जैसे हमारा ये जो ड्रैग है इसको हम कर रहे हैं, जितना हमारे सीक्वेंस टाइमलाइन के ऊपर रखा हुआ है उसके ऊपर जहां भी हम ड्रैग कर रहे हैं उतनी जगह हमें दिख रही है। सेकंड क्या होता है कि हमने टाइमलाइन पे उतारे बिना पहले चीज हमारी चेक करनी है कि मेरे को इतनी इतनी चीजें चाहिए। मैं इसी क्लिप में से इस क्लिप के ऊपर क्लिक करूंगा डबल क्लिक, तो ये हमारे सोर्स की विंडो पे खुल जाएगी, इधर सोर्स के विंडो पे खुल गई है। हाँ, तो अभी हम इसमें पहले से ही इन और आउट लगाएंगे। इन का मतलब होता है कि यहाँ से स्टार्ट होएगी, आउट मतलब यहाँ पे खत्म। तो इन आउट लगाने के लिए मेरे को अगर इंडिविजुअली हाँ इस पे इन लगाना है मेरे को, यहां से चाहिए तो मैं इन लगाने के लिए आई दबाऊंगा तो उतना हिस्सा एकदम से वाइट हाईलाइट हो जाएगा, और जहां तक चाहिए उस पे लास्ट पॉइंट पे जाके मैं आउट यानी कि ओ दबाऊंगा। तो अब इतना हिस्सा जब हमारा सिलेक्ट हो गया, अगर सिर्फ इसमें से मेरे को वीडियो चाहिए तो मैं सिर्फ वीडियो की आइकन पे पकड़ के उसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा, या सिर्फ ऑडियो चाहिए तो मैं सिर्फ ऑडियो को नीचे ड्रैग करूंगा। अगर दोनों चीज मेरे को चाहिए तो मैं क्लिप के बीच में जाऊंगा यहाँ पे, यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ पे आके ड्रॉप कर दूंगा, तो वो ऑडियो और वीडियो दोनों सेम टाइमिंग पे उठा के यहाँ पे रख देगा हमारे पास सामने। ठीक है, ये हो गया सोर्स विंडो में देख के इन आउट लगा के मेरे को इतना हिस्सा चाहिए उतना हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। हेलो जी, हाँ थैंक यू अनम्यूट किए। मैं कह रहा था ना कि ये जो टाइमलाइन है वीडियो की, चैनल बोल रहे हैं इसको, ये हम इंक्रीज कर सकते हैं क्या 3 से ज्यादा, जैसे 5-6 कर सकते हैं? हमें सिर्फ इनको जो हमारी टाइमलाइन के ऊपर हमारे पास चैनल है इनको इंक्रीज करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली हम उसको क्लिप को जितना ऊपर ड्रैग करते जाएंगे वो ऐड होते जाएंगे। ओके ओके ओके, अपने आप ऐड होते जाएगा। हाँ, वो अपने आप ऐड होते जाएंगे, ये बेसिक सब वो है। अगर हमने वैसे लॉन्ग टर्म से ऐड करना है तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड ट्रैक करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको ड्रैग कीजिए। समझ गया, इंक्रीज हो जाएगा मतलब। हाँ, सेकंड ना कि इफेक्ट, अगर मेरे को इफेक्ट ऐड करना है किसी इसके पहले, इमेज के पहले, वीडियो के पहले, तो इफेक्ट में ऐड करने के पहले उसको देख सकता है कि ये कैसे दिखने वाला है? बिल्कुल देख नहीं, इफेक्ट नहीं देख सकते आप उसके ऊपर लगा के देख सकते। जैसे अभी वाइप लिखा होगा इफेक्ट पे, तो मेरे को वाइप का मतलब तो पता नहीं, तो अगर मेरे को चेक करना है कि ये क्या है तो उसको ऐड करके चेक कर पाऊंगा? बेसिकली यही रहता है कि आप एक दो बार अगर काम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि आपको इनमें से कौन से इफेक्ट चाहिए होते हैं। बेसिकली मेरे को 2-3 इफेक्ट ही चाहिए होते हैं, इसमें से वाइप में लेता हूं। अपन लिमिटेड इफेक्ट ही यूज करते हैं, मतलब हाँ, एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए। हाँ, तो फिर भी अगर कभी ऐसा यूज करना है कि कोई अलग, तो हमें लगा के ही चेक करना पड़ेगा, लगा के ही चेक करना पड़ेगा जी। हाँ, ओके ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन था, सबटाइटल ऐड करना बता दीजिएगा अगर इसमें होता होगा तो। सबटाइटल मतलब कैसे? मतलब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो नीचे इंग्लिश सबटाइटल देना है तो। हाँ, टेक्स्ट ऐड करने का, ठीक है, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अगर सबटाइटल का कोई अलग ऑप्शन होता हो कि वो हम एक साथ नोटपैड को कॉपी पेस्ट कर दें, उसको बस टाइम दे दें, कॉपी पेस्ट ही करना होता है। हमें यहाँ पे एक प्लेट बनानी है टेक्स्ट के लिए और उसमें कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा मतलब, ओके ओके समझा, ठीक, चले इतना ही डाउट था मुझे। हाँ, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, पहले मैं किसी और के डाउट्स ले लूं अगर जिसको है तो।
जी अमित जी, भाई साहब मैं पूछ रहा था, मुझे दो चीज मुझे पूछना था। ये जो टाइम बढ़ाने का आपने बताया भाई साहब, वो मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं शायद ठीक समझ देख नहीं पाया उसको। और दूसरा मुझे पूछना था, जी जी हाँ बताइए दूसरा। दूसरा मुझे पूछना है कि जो आपने बीच में कलर ऐड किए थे तीन, तो वो छोटा बड़ा कैसे हुआ? मुझे वो थोड़ा सा डाउट हो गया, शायद मिस गया या मैं। हाँ, पहले जो टाइम इंक्रीज का क्लिप का टाइम कह रहे हो ना, हाँ पूरा 3.4 का भी पूरा क्लिप था ये, मुझे और बढ़ाना है इसको क्लिप को ऐसा। हाँ देखिए, अब जो मेरी ये क्लिप है, ये टोटल इसका अगर मैं इन आउट हटाता हूँ, मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और अपना जो अपन ने वर्क किया अपने टाइमलाइन पे, यहाँ पर हाँ यहाँ पे टाइमलाइन पे इतना ही है कि जितनी चीजें हम ऐड करते जाएंगे वो टाइम उतना ही लेगा। मेरी क्लिप यहाँ पे 2 मिनट 28 सेकंड पे रखी है लास्ट वाली, तो वो 2 मिनट 28 सेकंड ही बताएगा। ठीक है, ये मेरी अगर लास्ट वाली क्लिप 7 मिनट पे रखी है तो 7 मिनट बताएगा। ये इसकी लिमिट नहीं है, कोई टाइमलाइन की कोई लिमिट नहीं है, खत्म नहीं होने वाली है कहीं पे भी। जहां भी हम रखेंगे 22 मिनट पे गई तो 22 मिनट पे चली जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये जो हमारी लास्ट क्लिप होगी उसकी टाइमिंग बताएगी कि अभी तक हमारा काम जो है इतने मिनट का बन चुका है। सेकंड क्या था आपका? मतलब वो जो कलर अपने तीन ऐड किए थे, कलर जो मैंने ऐड किए थे, बड़ा कहां मतलब समझ में आया था जी। हाँ, वो कैसे किए, कहां क्या होता है, सब बिन में राइट क्लिक करेंगे हम, जितने भी देखिए नॉर्मल सी चीज है समझने की कि जितने भी चीजें हमने ऐड करनी है वो बिन में होंगी पहले, वो बिन में आने के बाद हमारी टाइमलाइन पे आएंगी। ठीक है, तो जितने भी चीजें जो भी चाहिए हमें तो वो बिन पे आएगा। तो ये जो कलर वाला मेट है वो सॉफ्टवेयर का पर्सनल होता है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम्स, आइटम्स में हमें ये मिल जाती है, सीक्वेंस मिल जाता है, प्रोजेक्ट शॉर्टकट मिल जाता है, ऑफलाइन फाइल ऐड, मतलब इनमें से ज़्यादातर हम बेसिक में यूज़ नहीं करते, मैं सिर्फ वो जो यूज़ करते हैं वो बता रहा हूँ। कलर मेट होगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास साइज है, पहले इसकी लेंथ है 1440 और 1080। अब इसकी जो हाइट है वो 1080 है और जो वर्टिकल जो चौड़ाई है वो 1440 है इसकी। इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, अगर मेरे को सेम 4x4 बुक्स चाहिए तो मैं दोनों में सेम जो अमाउंट है ऐड करूंगा, 1080x1080 वो 4x4 ही आएगा। उसके बाद हमसे कलर मांगेगा, जो कलर मेरे को चाहिए वो मैं कलर दे दूंगा यहाँ पे और ओके करूंगा सीक्वेंस। फिर ये जो हम कलर मेट ऐड कर रहे हैं, अगर हमें इसका स्पेशल नाम देना है कोई, जैसे ब्लू देना है तो मैं ब्लू लिखूंगा, तो ब्लू के नाम से हमारे पास आ जाएगा, तो मैं उसको पकड़ के ड्रैग करूंगा यहाँ। अब वो 4x4 बॉक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जिन्होंने बोला था कि टेक्स्ट या सबटाइटल ऐड करने के लिए, जैसे ये टेक्स्ट है हमारे पास, अब जिसने ये बनाई है उसने पहले नीचे दो प्लेट्स ऐड करी हैं, ग्रे कलर की, ब्लू कलर की, व्हाइट कलर की। ठीक है, ये उसने अलग अलग तीनों ऐड करके एक प्लेट बनाई है, उसके ऊपर टेक्स्ट है। अब जैसे हमारा यही है, मैंने ब्लू कलर की ली है तो मैं इसको नीचे रखता हूँ। अब इसके ऊपर मैं टेक्स्ट अपना ऐड करता हूँ कोई भी, सिंपली मैंने कॉपी किया यहाँ से, टेक्स्ट वाला टूल लिया मैंने, एक बॉक्स बनाया। बॉक्स इसलिए बनाया ताकि जो हम टेक्स्ट डालेंगे वो इस बॉक्स से बाहर ना जाए, इस बॉक्स के अंदर ही वर्क करे। ठीक है, अब ये बॉक्सेस बने आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास हिंदी का फॉन्ट है लेकिन सिलेक्टेड नहीं है, तो ऐसे ही आपको सबको अपने पीसी में हिंदी का फॉन्ट डालना होगा पहले। ठीक है, वो फॉन्ट मैं बता रहा हूँ हिंद के नाम से है, लिख लीजिए आप सब लिख लीजिए, मैं 2-3 फॉन्ट के नाम बता रहा हूँ। हिंद के नाम से है, अपराजिता के नाम से है, आर्या के नाम से है। हाँ, तो ये 3 फॉन्ट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जो हमारी एक पीडीएफ बनाएंगे हम उसमें मैक्सिमम 8-10 जो नाम है वो हिंदी के फॉन्ट्स के वो हम दे देंगे आपको। तो अभी जो मैं यूज करता हूँ बेसिकली वो हिंद के नाम से करता हूँ।
पहले हमें क्या करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है बनाने के बाद कंट्रोल ए, ताकि पूरा जो टेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद ये बॉक्स है टेक्स्ट के लिए हमारा, इसमें जाओ एच आई एन डी एंटर, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब ठीक है जी, इसके साथ ही हम साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहीं पे साइज है, ये बीच की स्पेसिंग जो व्हाट्सएप से बन जाती है उसको हम हटा सकते हैं बैक स्पेस से। व्हाट्सएप का टेक्स्ट अगर हम कॉपी करते हैं तब ये बॉक्स बने आते हैं, बीच में स्पेस है जो वो ज्यादा चला जाता है। तो ये अब हम साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट का अलाइन कर सकते हैं इसको मिडल स्पेस। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट की टाइमिंग है, ये हमारे टेक्स्ट की क्लिप है। इसका भी हम टाइम अपने अकॉर्डिंग, अगर मेरे को पूरे ब्लू बॉक्स के ऊपर जितनी उसकी टाइमिंग है इस पे करेंगे, पूरा ओवरलैप कर दिया तो जहां से ब्लू बॉक्स स्टार्ट होएगा वहीं से टेक्स्ट स्टार्ट होएगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाएंगे, तो वहीं पे जाना हमने, हमारी क्लिप सेलेक्ट करी हमने, इफेक्ट पे गए, वाइप को ड्रैग किया, लास्ट में ड्रैग किया। अब जैसे ही हमारा ब्लू बॉक्स आएगा उसके बाद टेक्स्ट आएगा और एंड पे भी ऐसे ही होएगा। स्पेस से प्ले कर सकते हैं हम, सब भी ध्यान रखिए। अब इन के बीच में जो स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, ये नीचे वाली मात्रा ऊपर वाली मात्रा से टच कर रही है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये वर्ड्स का है, ए डबल ए लिखा हुआ जिनके ऊपर, इसको हम इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिंग बढ़ेगी और डिक्रीज करेंगे तो स्पेसिंग घट जाएगी। ठीक है, कलर हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। अब नॉर्मली जब आप इसको खोलेंगे तो आपको बहुत सी चीजें हैं जो मिलेंगी नहीं, तो मैं उनको लाने का जो तरीका है वो आपको बता देता हूं। हाँ, ये विंडो है, जो विंडो के अंदर हमारे पास सारे पैनल होते हैं, जितने भी पैनल हैं। अभी हमारे जो ऑन पैनल हैं वो उन पे टिक मार्क आया हुआ है और जो बंद है वो ब्लैंक है अभी भी। ठीक है, अगर हमें उनसे अलग कोई चाहिए, जैसे कि आप बेसिकली जब स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एसेंशियल ग्राफिक का जो पैनल है वो ऑफ मिलेगा आपको, तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा ताकि आप टेक्स्ट जब ऐड करें तो उसको चेंजेस उसमें बेसिकली आराम से कर सकें। ये पैनल आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें से अगर कोई बाय चांस अगर कोई चीज चली जाती है, जैसे ये कि मेरे पास ये इफेक्ट कंट्रोल है, ये चला जाए, मैं गलती से इसको बंद कर दूं या सोर्स वाली जो विंडो है उसको गलती से बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं मैं जो हमारा इफेक्ट का है, मेरे पास ये सब बंद हो गए, तो मैं अब अगर कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ से लेके आऊं और विंडो में से हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या करिए, वर्कस्पेस पे जाइए और रीसेट टू सेव्ड लेआउट कर दीजिए। रीसेट करेंगे वैसे ही तो जो हमारे पास पहले से है, जो जहां पे था वो सब हमें मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा जो पैनल हैं जो बेसिक होते हैं वो भी मिलेंगे हमें, जिनकी जरूरत है हमें वो रखेंगे, बाकी को हम फिर से बंद कर देंगे। ठीक है जी, आज के लिए अभी इतना ही। किसी को अगर इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो 2 मिनट का समय है, आप सभी बता सकते हैं, मैं एक एक करके सबका वो बेसिक है तो क्लियर कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए बैकअप क्लासेस ली जाएंगी,
जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बैक जो बैकअप क्लासेस हैं उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ मैं डाउनलोड करना आपको दोबारा से बता दूंगा। और रनिंग टेक्स्ट का जो है जी वो अभी सेकंड या थर्ड क्लास में आएगा, अभी मोशन के बारे में हम बात करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। हाँ आपको रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मिल जाएगा। इसका कोई लाइट वर्जन आप 19 डाउनलोड कर सकते हैं, i3 में चल जाएगा। ये मैं 20 डाउनलोड कर रहा हूँ, इसी की जगह अगर आप 19 लिखेंगे तो 19 उसमें चल जाएगा i3 में। मैं अभी आपको डाउनलोड करने का जो है वो दोबारा बता देता हूँ, फिर इसको आज के लिए खत्म करते हैं सेशन को। गेट इनटू नाम से वेबसाइट है, ठीक है, इस पे हम गूगल में टैप करके स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास पहली वेबसाइट है जिसमें getintopc.com लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर हमें डिजाइन के कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, रेयर चांस होगा कि हमें कोई नहीं मिलेगा, नहीं तो ऑलमोस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, और बेसिकली फ्री मिलेंगे, क्रैक मिलेंगे जिसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रीमियर लिखूंगा सर्च वाले बॉक्स में, 19 चाहिए तो 19, ठीक है, और 20 चाहिए तो 20 लिखूंगा। ठीक है, ये एक दिन पहले अपडेटेड हुआ है। यहाँ पे जाके हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड में बता रहा है कि 123 है, जिप फाइल मिलेगी हमको एक, उसको डाउनलोड करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे वेट करेंगे, वेट करना है 1 से 1.5 मिनट तो अपने आप जो हमारी डाउनलोडिंग है वो अपने आप नीचे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्टार्ट हो गई है, अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि पहले से ही डाउनलोड हुई पड़ी है। ये हमारे पास डाउनलोडेड है, अब इसको जब एक्सट्रैक्ट करेंगे मतलब अनजिप करेंगे, 123 पासवर्ड डालेंगे, जैसे ही ये अनजिप हो जाएगा, बेसिकली सबसे पहले याद रखना है कि जिप होने के बाद जब हम उसको रन करेंगे फाइल को इंस्टॉल करने के लिए तो हमारा जो नेट का कनेक्शन है वो बंद होना चाहिए, नेट रनिंग में नहीं होना चाहिए पीसी में। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, सेटअप। इस सेटअप को जब हम क्लिक करेंगे, ये सेटअप है हमारे पास, सेटअप की फाइल है क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं अभी रन नहीं करूंगा इसको। इस फाइल को हम रन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर। नेट हमारा बंद रखना है पहले नेट बंद करके फिर इसको रन करेंगे, उससे अलग हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है रेडी टू यूज है। जी नमस्कार सभी को, एक जितनी भी हमारी जो ट्रेनिंग रहती है वो 2 दिन फिक्स कर रखे हैं जी, एक तो जो आज से शुरू हुई है ये, और एक जो मंगलवार को रहती है उसमें हम थोड़ा बेसिक सोशल मीडिया से रिलेटेड टूल्स वगैरह की बात करते हैं। और अभी एक शुरू किया है सोशल पल्स करके एक यूट्यूब चैनल है, हालांकि अभी तक उस पे जो वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है,